जहां एक तरफ पूरी दुनिया भारत के मून मिशन और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के हौसले का लोहा मान रही है, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी होशी अदकद और बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी अपने ट्वीट से ट्रोल हो गए हैं। इसके साथ ही साथ एक और पाकिस्तानी का नाम जुड़ गया है, जिसका नाम है आसिफ गफूर। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में ट्वीट करते हुए कहा कि जो काम नहीं आता है उसे पंगा नहीं लेते एंडिया। उन्होंने अपने ट्वीट में इंडिया को एंडिया लिखा है। बहरहाल इस ट्वीट के बाद से वो ट्रोल हो गए हैं। ट्रोल होने के बाद उन्होंने बोला कि लोग तो मुझे ऐसे ट्रोल कर रहे हैं जैसे मैंने इस मिशन को असफल कर दिया है। अपने इस बयानबाजी से उन्होंने अपनी ओछी हरकत और ओछी सोच को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। एक भारतीय ट्विटर यूजर अभय कश्यप के ट्वीट पे उन्होंने रीट्वीट करते हुए कहा कि सो जा भाई, मून की जगह मुंबई पर लैंड हो गया खिलौना। अब अपने इस बेहुदा तरह के ट्वीट से वो हमेशा ट्वीट होते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ट्रोल करते हुए बोला कि भारत के प्रधानमंत्री इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं जैसे वो नेता नहीं अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री हैं। उनके लोकसभा को उनसे सवाल पूछने चाहिए कि एक गरीब राष्ट्र के 900 करोड़ रुपए उन्होंने क्यों बर्बाद किए। अपने इस बयानबाजी के बाद वो इंडिया की जगह पाकिस्तान में ही ट्रोल हो गए। पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि इंडिया के पास तो 900 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए है, लेकिन आपके पास है मुफ्त का ट्विटर अकाउंट। इसके बाद वो महिला पत्रकार यहाँ पे नहीं रुकी, उन्होंने एक फोटो के साथ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा खर्च किए गए राशि को गिनते हुए फवाद अपने छत पर लैंड करते हुए। जब से कश्मीर से धारा 370 हटाया गया है तब से पाकिस्तान अपनी तरह तरह के बयानबाजी से बात नहीं आ रहा है। कभी वो युद्ध की धमकी देता है, कभी यातायात रोक देने की धमकी देता है। इस समय खुद पाकिस्तान भुखमरी का शिकार हो गया है। उसे अपने यहाँ ही सामान खरीदने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यातायात को बंद करने की बात करता है, लेकिन हमारे यहाँ से यातायात बंद होने से वहाँ पे दवाइयों की किल्लत हो गई है। इस तरह का ट्वीट करने पर वो ये नहीं सोचे कि वो अपने यहाँ कितने सम्मानजनक पोस्ट पर हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये नहीं सोचा कि वो विज्ञान के क्षेत्र में किस स्थान पर हैं। खुद अपना सैटेलाइट लॉन्च करने में उन्होंने 50 साल लगा दिए, फिर भी इंडिया उनसे आगे है। आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं फिर वापस आऊंगी अपने एक नए स्पेशल रिपोर्ट के साथ। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।